नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। राम मंदिर निर्माण को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है बिहार में भी। हम आपको सीधा लेकर चलते हैं, यह है बिहार का मधेपुरा जिला का मुरलीगंज प्रखंड। यहां पर अष्टजाम शोभा यात्रा निकाली गई है और 48 घंटे तक अष्टजाम यहां पर जो है किया जाएगा। आप सीधा इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में खासा उत्साह है और अष्टजाम शोभा यात्रा निकाली गई है मुरलीगंज प्रखंड में। ये मधेपुरा जिला का मुरलीगंज प्रखंड है जहां पर अष्टजाम शोभा यात्रा निकाली गई है। आपको सीधा वहीं लेके चलते हैं, आप वहीं देखिए कि लोगों में क्या कुछ खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और राम मंदिर निर्माण को लेकर भी वो कितने खुश हैं। अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का भव्य आयोजन जो होने जा रहा है, इस खुशी में हम समस्त परवा के ग्रामवासी, समस्त युवाओं ने मिलकर एक संगठन बनाया कि इस खुशी में श्री राम हरे कृष्णा अष्टयाम का आयोजन तो करेंगे ही। 108 कन्याओं के द्वारा परवा नवटोल राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण से पथ संचलन करते हुए बलुआ घाट के नज़दीक जल भरने हेतु जल भर के फिर हम लोग अपने मंदिर प्रांगण में पहुँचेंगे। वहाँ फिर दिन के 3 बजे से ही अष्टयाम कार्यक्रम का आयोजन होगा। 48 घंटा के लिए हम लोग रखे हुए हैं और इसके जस्ट समाप्ति के बाद हम लोग सभी राम मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह भी परवा ग्राम पंचायत में पूरे धूमधाम से करेंगे और मंदिर के लिए पूरा हम लोग सभी हिंदू भाई सपोर्ट करेंगे। हम लोगों को इसकी बात की है जो कि मंदिर जो पूर्वजों से फंसा हुआ था, आज वो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। हम सभी इसके बाद धन संग्रह भी करेंगे और वहाँ भेजेंगे ट्रस्ट के लिए। जय श्री राम। लोगों में किस तरीके का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, राम मंदिर निर्माण को लेकर भी लोग बेहद खुश हैं, बिहार में भी खुश हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार में सिर्फ मधेपुरा जिला में ही नहीं, बिहार के कई अन्य जिलों में भी राम मंदिर निर्माण को लेकर धन संग्रह किया जा रहा है। और यहां पर भी जैसा कि आपने सुना कि मधेपुरा जिले में भी, ये जो मुरलीगंज प्रखंड है, यहां पर भी अष्टजाम शोभा यात्रा के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए भी जो है धन संग्रह किया जाएगा और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।